हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये वाला स्मोकी आई मेकअप लुक। ये वाला लुक मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए क्रिएट किया है। आप इस लुक को अपने ऑफिस में वेयर करके जा सकते हो, कहीं पार्टी मेकअप के लिए जा रहे हो तो आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो। बहुत ईजी लुक है ये, तो मैंने इसको बहुत ईजी वे में क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट किया है मैंने इसे। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आईलिड पे बेस बनानी होगी। तो उसके लिए मैंने लिया है ये नायका की काजल पेंसिल। इसकी एक साइड पर काजल पेंसिल है, एक साइड पर स्मजर है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं अपने पूरे आईलिड पे लगा लूँगी एज अ बेस, एंड जो दूसरी साइड इसका स्मजर है उसको लेकर मैं इसको स्मज कर लूँगी। इसको सिर्फ मुझे अपने आईलिड पे ही लगाना है, ऊपर नहीं जाना है। तो देखिए मैं इसको स्मज कर रही हूँ इजीली, बहुत इजी स्मज हो रहा था ये। उसके बाद मैंने ये हुडा ब्यूटी का अपना आई शेडो पैलेट लेकर, इसमें से ब्लैक शेड लेकर एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से जहाँ पर मैंने काजल लगाया था बेस, उसी के ऊपर इसको अच्छे से लगा लूँगी। अभी मुझे इसको स्मज नहीं करना है, अभी मुझे सिर्फ इसको लगाना है। आप जैसे भी चाहो आप इसको लगा सकते हो पेंसिल ब्रश के साथ। बट अब देखिए, उसके बाद ये वाला मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सेम आई शेडो पैलेट से मैं ये लाइट ब्राउन कलर पिक करूँगी और इसको अपनी क्रीज लाइन में लगा लूँगी। पहले मैं इसको पेंसिल ब्रश से लगा लूँगी जहाँ जहाँ भी मुझे ये कलर चाहिए, उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ब्लेंड करने के बाद ये। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि आपका कलर लाइट हो रहा है तो आप फिर से कलर पिक करके फिर उसको लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो ब्लेंडिंग ब्रश से। तो अब देखिए, अब मैं सेम नायका का काजल पेंसिल लेकर अपनी लोअर वाटर लाइन में लगा लूँगी। एंड फिर इसको अच्छे से स्मज कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ स्मजर। आपको इसको स्मज करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये फैल जाता है। तो इसको एक और तरीका है, आप इसको अगर आप अपना काजल चाहते हो कि वो फैले ना, तो आप नीचे आई शेडो पैलेट ब्लैक कलर का लगा लीजिए, उससे आपका काजल कभी भी नहीं फैलेगा। तो ये मेरी एक टिप है। तो अब देखिए मैं इसको आई शेडो पैलेट से लॉक कर रही हूँ ताकि ये फैले ना। ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये वाला टिप आपके काम आया कि नहीं। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ये ML का एश लैश मस्कारा। तो इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी ऊपर नीचे दोनों साइड। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर। ये वो वाला लाइनर है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जो अंडर 10 रुपीज़ मेकअप चैलेंज किया था, उस वीडियो में मैंने ये वाला लाइनर लगाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइज़ प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैं ये वाला लाइनर लेकर लगा लूँगी इसको अच्छे से। तो देखते ही देखते मैंने अपनी दूसरी आँख में भी कर लिया है। और आप देखिए मैं ये जो ब्राउन कलर मैंने लिया था इसको मैं कितने अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ये वाला ब्राउन कलर आपको नीचे भी लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। सो गाइज, अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने आईज़ के टिप पे मैंने इसको यहाँ पर ये हाइलाइटर लगा लिया है। ये शैम्पियन शीट का हाइलाइटर है, इससे आपकी आईज़ थोड़ी पॉपअप लगती हैं। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।